तो यहाँ पे देखें मेरे बाल जो हैं सारे के सारे सफ़ेद हो चुके हैं। जब से मेरी शॉप ख़त्म हुई है तब से मेरे जो बाल हैं सर के और दाढ़ी के दोनों सफ़ेद हो गए हैं, लेकिन मुझे टेंशन नहीं है क्योंकि ज़वाल और रूज ज़िंदगी का हिस्सा है। अगर एक काम में हमें नाकामी मिली है तो हम दूसरा काम करेंगे। तो गाइस हम इस टाइम आए हुए हैं कैवन की मम्मा को लेने के लिए। उसके सामने एक पार्क है, पार्क में बैठे हुए हैं। ये पीछे आपको गाड़ी नज़र आ रही है, गाड़ी के बिल्कुल सामने गेट है। तो अभी हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं। तो बच्चे कह रहे थे हम थोड़ी देर पार्क में बैठ जाएं। तो यहाँ पे देखें ये एशलिन भी बैठी हुई है और कैमन इधर। कैमन क्या कर रहे हो? पेड़ों का घर खोद रहे हो? घर ना ना खोदो, सारे हाथ तेरे मट्टी के भर जाएंगे। तो यहाँ पे बड़ा जो है ना एक अच्छा मौसम बना हुआ है, दरख्त ही दरख्त हैं और छाँव भी है, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, गर्मी इतनी फील नहीं हो रही यहाँ पे। वैसे आज बड़े ज़ोर की गर्मी है। तो यहाँ पे देखें मेरे बाल जो हैं सारे के सारे सफ़ेद हो चुके हैं। जब से मेरी शॉप ख़त्म हुई है तब से मेरे जो बाल हैं सर के और दाढ़ी के दोनों सफ़ेद हो गए हैं, लेकिन मुझे टेंशन नहीं है क्योंकि ज़वाल और रूज ज़िंदगी का हिस्सा है। अगर एक काम में हमें नाकामी मिली है तो हम दूसरा काम करेंगे। बहुत से लोग हैं वो अपनी ज़िंदगी में सेटिस्फाइड होते हैं, लेकिन मेरा जो आदत है, मेरा एक माइंड है वो ज़रा हटके है। मैं कहता हूँ कि मैं कुछ नया करने के लिए बनाऊँ, कुछ बड़ा करने के लिए बनाऊँ। ये छोटी मोटी जॉब्स के पीछे मैं जाता ही नहीं हूँ। मैं अगर जॉब्स करना चाहूँ तो मैं किसी हॉस्पिटल में कर सकता हूँ, किसी फार्मेसी पर कर सकता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस भी है, मुझे सैलरी भी अच्छी मिल जाएगी। लेकिन मैं जॉब नहीं करना चाहता क्योंकि जॉब जो है वो लाइफ टाइम आपके जो बच्चे हैं उनकी अच्छी परवरिश के लिए कारामद नहीं है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं या आप 15 साल से लेके 21-22 साल की एज में हैं तब तक आप जॉब कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद अगर अपने ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है तो फिर आपको जॉब की तलाश में नहीं करनी चाहिए। तो मैं दोबारा फिर से अपने बिज़नेस की तलाश में हूँ। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं तो मैंने फार्मेसी बनानी है, अपनी मेडिकल स्टोर बनाएंगे। उसके लिए फार्मेसी के लिए पैसे चाहिए। मिनिमम अगर छोटा सा भी स्टोर किसी जगह पे बनाए ना तो 20 से 25 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट है, लेकिन बड़ी फार्मेसी के लिए 70-80 लाख चाहिए। तो इसीलिए अब सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर जो वर्किंग शुरू की है, क्योंकि ऑनलाइन फील्ड में बहुत ज़्यादा पैसे हैं। अब आप सब लोगों की सपोर्ट अगर मिलती रही इसी तरह तो एक दिन आएगा कि हम स्टोर बनाएंगे, फार्मेसी बनाएंगे और अपने तमाम ख्वाबों को पूरा करेंगे। और जो मुस्लिम लोग होंगे उनको मेडिसिन वगैरह भी फ्री देंगे। तो सोचा तो बहुत कुछ हुआ है, हर इंसान अपने माइंड में सोचता है कि मैंने अपने फ्यूचर में ये करना है, ये करना है। तो मेरे भी कुछ इसी तरह के ख्वाब हैं कि मैं अपना जो फ्यूचर है, अपने बच्चों का फ्यूचर है, अपने दूसरे जो रिलेटिव हैं सब के लिए मैं कुछ बेहतर करके जाऊँ, कुछ बेहतर करूँ। तो उसी की कोशिश में जो जद्दोजहद जारी है। तो आप सब से भी दुआ की अपील है, दुआ करें तो खुदा कामयाब करेगा एक दिन इंशाल्लाह। तो कामयाब होंगे हम। तो अभी देखें कैमन और दीदी इधर बैठ गए, ऊपर बैठ जाओ, इधर नीचे मट्टी है, इधर ना बैठो। कैमन तो अभी जो मैडम शाजिया है उसकी जो जॉब इसीलिए जो है स्टार्ट करवाई थी, करवाई नहीं थी, उसने खुद ही कहा था कि मैं फाइनेंशियली तौर पे चलो घर को आपको सपोर्ट कर दूंगी साथ में। इस वजह से उसने इधर स्कूल में उसको जॉब मिल गई थी तो जॉब उसने स्टार्ट कर दी है। लेकिन मैं इस हक में नहीं हूँ कि वो जॉब करे क्योंकि घर में बच्चों को संभालना बड़ा मुश्किल है, बच्चों की केयर करना, बच्चों के साथ टाइम गुजारना बच्चों को बड़ा मुश्किल काम है। तो जैसे ही हमें कुछ रोशनी की किरण नज़र आएगी तो बहुत जल्द जो मेरी कोशिश है मैं उसकी जॉब को भी जो वाइंड अप करवा दूंगा, टर्मिनेट हो जाएगी जॉब उसकी, तो वो घर में रहेगी। उसको मैंने कहा कि तुम सिर्फ व्लॉग बनाया करो, जो आजकल ऑनलाइन फील्ड में बहुत ज़्यादा पैसे हैं, बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो लेकिन ये सारी कुछ जो सारी चीज़ें हैं ये आप लोगों की सपोर्ट से है। अगर आप लोग इसी तरह सपोर्ट करते रहे तो वो जॉब भी छोड़ देगी और मैं अपना मेडिकल स्टोर भी बना लूँगा। तो सारी जो एक प्लानिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। अगर सपोर्ट नहीं मिली तो हम डीमोटिवेट होकर हर एक दिन यूट्यूब को भी छोड़ देंगे। अब ये आप लोगों पे डिपेंड करता है, जो लोग वीडियो को देखते हैं। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं लेकिन कुछ लोगों तक तो वीडियो अभी पहुंच ही नहीं पा रही क्योंकि इसके इंप्रेशन बहुत कम है। वीडियो ज़्यादा लोगों तक इस वजह से जाएगी जब आप वीडियो को मुकम्मल वाच कर लेंगे। अगर आपको अच्छी नहीं भी लगती वीडियो तो अगर आप मोबाइल को वीडियो प्ले करके छोड़ दें
तो वीडियो मुकम्मल बात चल जाएगी, तो उससे यूट्यूब इसके इम्प्रेशन बढ़ा देगा, वीडियो ज़्यादातर लोगों तक जाएगी, जिससे चांसेस होते हैं कि वीडियो वायरल हो जाए। अभी शाजिया की तबीयत भी सही नहीं है, उसको एक तो गले का थायराइड है, वो बड़ा ख़तरनाक किस्म का जो मसला है, उसकी मेडिसिन भी स्टार्ट है साथ, और साथ में काम करना, इधर जॉब करनी और जाके फिर घर का काम करना, खाना बनाना, सफाई करनी, बच्चों को संभालना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं सिर्फ इसी इंतज़ार में हूँ कि जब तक जो है मेरे पास पैसे आ जाएं, मैं अपना बिज़नेस दोबारा से खड़ा करूँ और तमाम जो सिस्टम को मैनेज कर लूँ, तो फिर उसको जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी बहुत जल्द जो है जो मेरी जो ख्वाहिश यही है कि वो जॉब छोड़ दे, तो अभी बहुत सारे काम करने वाले हैं, बहुत सारे ख्वाब हैं, तो ये सब पॉसिबल हो सकता है आप सब की सपोर्ट की वजह से। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो ये बहुत जल्द हो जाएगा, तो उम्मीद है आप लोग सपोर्ट करेंगे। तो फाइनली गाइज यहाँ पे मम्मा आ गई है कैमन की, और कैमन और एशलिन भाग गए हैं, वो देखें दीदी उधर भाग गई है, कैमन उधर से भाग के दूसरी साइड से आ रहा है और कह रहा है मम्मा मेरे लिए पानी लेकर आओ। दीदी इधर आ गई है, सर रख के बाइक पर जो है ना रेस्ट कर रही है। असल में ना दीदी की तबीयत ख़राब है आज, इसको कल का ना बुखार हो गया है, और कैमन कह रहा है मेरे लिए पानी लाओ, तो मम्मा को इसने फिर भेज दिया पानी लेने के लिए। गला ही सूख गया था, चलो अभी ले आती मम्मा पानी। तो कैमन के लिए पानी आ गया यहाँ पे, बोतल में ठंडा पानी, कैमन को बड़ी प्यास लगी हुई थी, कैमन अब पानी पी रहा है। तो अब हम जाने लगे हैं घर। दीदी तूने भी पीना पानी है? दीदी को